हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनु एंड वेलकम टू द चैनल अल्बेनियन। देखिए, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छे से क्लास में परफॉर्म करें, अच्छे मार्क्स लाएं, खूब पढ़ें। ऐसा चाहने में कोई बुराई नहीं है, पेरेंट्स भी स्ट्रेस फ्री रहते हैं और बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बना रहता है ना। लेकिन अगर बच्चा पढ़ नहीं पाता, वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता जितना उसी की एज के दूसरे बच्चे कर रहे हैं, तो वो भी प्रेशर में आता है और पेरेंट्स भी टेंशन लेने लग जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हाउ टू टीच रीडिंग टू किड्स। बच्चों को जो पढ़ना है, रीडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे उनका इंटरेस्ट बनाना है रीडिंग में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। तो सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना है, रीजन जानना है कि बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, इंटरेस्ट क्यों नहीं ले पा रहे हैं। दो मेन रीजन हो सकते हैं। पहला कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है, बच्चा पढ़ता भी है, लेकिन उसे डिफिकल्टी हो रही है कुछ वर्ड्स को समझने में, या जो उसकी एज के बच्चे हैं वो जितनी जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं नॉलेज, वो उतनी जल्दी नहीं कर पा रहा, उसे बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ने में, लिखने में, समझने में। इसे हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी जो डिसऑर्डर है, इसके लिए मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगी, इसी कैटेगरी में अपलोड करूंगी, इसके बारे में तब डिस्कस करूंगी। सेकेंड मेन रीजन क्या हो सकता है कि बच्चा एक्सक्यूजेस देता हो। जैसे आपने बोला पढ़ लो, मामा पेट में दर्द हुआ है, मैं पानी पिया हूं, मेरे को वॉशरूम ब्रेक चाहिए, तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बिल्कुल अनविलिंग है, उसने बिल्कुल टर्न ऑफ कर लिया अपने आप को पढ़ने की साइड से कि मुझे नहीं पढ़ना। सो आपको ये करेक्ट कैसे करना है, आज इस बारे में बात करें। आज की वीडियो में मैं आपसे 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिनसे आप अपने बच्चों में जो रीडिंग है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उनका रीडिंग में इंटरेस्ट बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात डिस्कस करती हूँ। जस्ट नो योर चाइल्ड, अपने बच्चे को जानिए। आपके बच्चे ना छोटे छोटे पौधों की तरह, अगर हम छोटे पौधे को कम पानी देंगे वो सूख जाएगा, और ज्यादा पानी देंगे तो गल जाएगा। जो ये पानी है ना, वो टाइम है, आपका पेशेंस है। अगर आप उन्हें कम टाइम देंगे तो भी बच्चा सक्सेस नहीं हो पाएगा, और अगर आप उन्हें बहुत ज्यादा टाइम देंगे या उनको ओवर पार करेंगे तो बच्चा भी तब भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने लग जाएगा। ठीक है, तो आपका टाइम और पेशेंस, ये दोनों ही चीज चाहिए, चाहे आप लाइफ में कुछ भी उनको बनाना चाहते हैं या वो लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टिप की, लेट देम चूज। उन्हें चूज करने दीजिए उनके इंटरेस्ट की बुक्स, चाहे वो कोई एनिमल बुक है या फिर स्टोरी बुक है या कार्टून बुक है, वो कोई भी तरह की बुक है, आप उन्हें लाइब्रेरी ले जाइए या किसी बुक शॉप पे, उनको चूज करने दीजिए। आप उस टाइम मत कहिए कि ये वाली बुक उठा लाओ या ये तुम्हारे सिलेबस के लिए है, ये वाली उठा लो। उनको चूज करने दीजिए। आपको एक चीज पता है कि बच्चा ना मेरा बिल्कुल विलिंग ही नहीं है पढ़ने के लिए, उसका मन ही नहीं करता, वो इंटरेस्ट खो चुका है। आपको इंटरेस्ट बनाना है ना, तो उसका इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपको क्या करना है, आपको उसको लेके जाना है, उसकी पसंद की बुक्स लेनी है। आपको अपना पेशेंस नहीं खोना, इरिटेट नहीं होना, उसको चूज करने दीजिए। सबसे पहला पॉइंट यही है, लेट देम चूज। सेकेंड टिप है, रीड फॉर देम। देखिए, हम गलती कहां करते हैं, हम अपने बच्चों को बुक्स भी देते हैं, स्टेशनरीज भी देते हैं, प्रेशर भी देते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये पढ़ना स्टार्ट कर दें। जी नहीं, आपको वो टाइम भी देना है जो उनको चाहिए, और आपको उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। आपको क्या करना है, उसकी जो बुक है जिसे आप चाहते हैं वो पढ़े, आप पहले पढ़िए, उसे समझाइए बहुत इजी वे में, फिर उनसे पूछिए कि आप इसको समराइज कर सकते हो, और फिर उनको कहिए कि अब आप पढ़ के दिखाओ, और थोड़ा सा पोर्शन दे पढ़ने के लिए। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो ना, तो रीड अलाउड, थोड़ा सा ऊंचा पढ़िए और फन फैक्ट्स डालिए और स्टोरी बना के पढ़ाइए उसको, तभी फायदा होगा, तभी वो इंटरेस्ट लेगा। तो सेकंड टिप यही है, रीड फॉर देम। उन्हें बुक देके स्टार्ट मत कर दीजिए कि चलो पढ़ना शुरू करो, पहले आपको उनके लिए पढ़ना होगा और फिर आप रिजल्ट देखिएगा। थर्ड टिप है, सेट अ टाइम टेबल। आई नो आपको बहुत खराब लगा होगा सुन के, बिकॉज वही किसी पीटी बात की टाइम टेबल बना दो, बच्चे को बिठा दो। नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए, हम ना टाइम टेबल को पनिशमेंट बना देते हैं। कैसे? जैसे एक बच्चा है जो 5 मिनट भी कॉन्सेंट्रेट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसे हम सीधा बोल देते हैं 5 से 6 बैठ के पढ़ोगे, 5 से 6 बजे तक तो मैथ्स करोगे। अब 5 से 6 बजे तक शाम को वो अपने दोस्तों के साथ खेल के आता है, आपने उसको बैठा दिया, अब क्या होगा? अब जब वो उस टाइम पढ़ने लगेगा ना, उसका ध्यान तो उसके फ्रेंड्स में चला गया, तो ये पनिशमेंट हो गई, कैसे वो कॉन्सेंट्रेट कर लेगा? इसके बजाय आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे इंटरवल्स में उसे पढ़ाना है। जैसे आपको क्या सेट करना है, 15 मिनट्स की ड्यूरेशन सेट करनी है एक सब्जेक्ट के लिए। उसे बोलना है कि चलो बेटा एक स्टडी सेशन रखते हैं 20 मिनट्स का, और थोड़ी देर में कहिएगा कि 20 मिनट्स ज्यादा है, 15 मिनट्स का रखते हैं। बच्चा इंटरेस्ट लेगा, उसे लगेगा कि वाह 5 मिनट्स कम हुए, थोड़ी देर पढ़ना पड़ेगा, चलो पढ़ लेता हूँ। ये एक ट्रिक है, इसे आजमा के देखिए और मुझे बताइए कि काम करती है कि नहीं।
फिर वीक बाय वीक आपको ड्यूरेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ानी है, दो दो मिनट, तीन तीन मिनट टाइम, इस तरह से वीक बाय वीक। और प्ले टाइम प्लीज, उनका प्ले टाइम कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, उनका प्ले टाइम कभी उनकी स्टडीज टाइम में नहीं आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। फोर्थ टिप है डिस्ट्रेक्शन फ्री रीडिंग स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आपका बच्चा पढ़ने लगता है ना, तो जो प्लेस होनी चाहिए जिस जगह वो बैठ के पढ़ रहा है वो डिस्ट्रेक्शन फ्री होनी चाहिए। देखिए जरूरी नहीं कि बच्चा स्टडी रूम में ही पढ़े, वो जहाँ कंफर्टेबल है वहां उसे पढ़ने दीजिए, लेकिन वो जगह डिस्ट्रेक्शन फ्री होनी चाहिए। वहाँ फालतू की नॉइसेस ना हो, आपका फोन ना हो, ऐसा हो कि आप शिद्दत से पढ़ा रहे हैं बच्चे को, बच्चा इंटरेस्ट भी लेने लगा है, लेकिन यहाँ आपकी नोटिफिकेशन आई जा रही है, आई जा रही है, आप भी डिस्टर्ब, बच्चा भी डिस्ट्रैक्ट, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इस चीज को ऐसे समझिए कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, इतनी देर में कोई डोर बेल बजा रहा है, आप इरिटेट से हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सेम बच्चों के साथ, बड़ी मुश्किल से लगा है वो पढ़ने और इधर आपका फोन या कुछ और चीज जो उसे डिस्टर्ब कर देगी, तो वो जो उसने इतनी देर में फ्लो बनाया है ना वो टूट जाएगा। सो आपको क्या करना है, अपने घर में ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, जहां आपका बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर सके। देखिए आपको रिजल्ट मिलेंगे ये चारों टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो। लेकिन फिर भी मान लीजिए आप बहुत ज्यादा बिजी पेरेंट हैं, या आपको पता है आप अपना पेशेंस शायद लूज कर जाएं बच्चे को पढ़ाते वक्त, या बच्चे ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिया कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और अब आप सोच रहे हैं कि क्या करें, तो ये फिफ्थ टिप उन्हीं बच्चों के लिए है जो बिल्कुल हेट करने लगे हैं रीडिंग से। यू कैन ऑप्ट फॉर ऑडियो बुक्स। फिफ्थ टिप इज लिसन टू ऑडियो बुक्स। बहुत सारी वेबसाइट्स एंड एप्स हैं इसके लिए, ऑडिबल भी इनमें से एक है। तो ये ऑडियो बुक्स जब बच्चे सुनते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट आने लग जाता है, तो आप ऑडियो बुक्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने बच्चों में रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं, उनका रीडिंग में इंटरेस्ट बना सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगी। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।